इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक हिल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उस प्रोडक्ट का नाम है रिंगरिंग वॉइंटमेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं रिंगरिंग वॉइंटमेंट के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखें और वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। तो चलिए टाइम को बिना डिले करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो रिंगरिंग वॉइंटमेंट है, इसकी कंपनी की बात करें तो ये डाबर कंपनी के द्वारा पैकेजिंग की गई है, जो कि काफी इफेक्टिव, काफी अच्छी इसकी जो पैकेजिंग क्वालिटी किया गया है, जो देख सकते हैं आप। इसकी कॉस्ट की बात करेंगे तो ये बहुत ही सस्ती, जो 25 रुपए की यह ट्यूब में मार्केट में अवेलेबल होती है। वही इसकी जो क्वांटिटी है वो 10 ग्राम के आते हैं। तो देखेंगे रिंगरिंग जो क्रीम है उसमें क्या कंपोजिशन डाला गया। तो इसमें क्लोट्रिमाजोल सिंगल कंटेंट वाले मेडिसिन है। तो इस पे लिखा गया है जो कि दांत व संबंधित चमड़ रोग के लिए शीघ्र उपचार है, यानी कि क्विक रिलीफ फ्रॉम इच एंड फंगल स्किन इन्फेक्शन। यानी कि इसके इस्तेमाल आपको पता चल गया होगा कि इसका इस्तेमाल फंगस इन्फेक्शन के लिए किया जाता है या स्किन में जो इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए किया जाता है। साथ ही दांत खाज की प्रॉब्लम जो होती है और आपको अगर प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग की प्रॉब्लम होती है उसमें भी इसके इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्लोट्रिमाजोल डाला गया है, जो साल्ट है वह आपको दांत खाज की प्रॉब्लम भी ठीक कर सकते हैं। देखते हैं कंपोजिशन कंटेंट कितना एमजी में अवेलेबल किया गया। तो साथ ही इसमें क्लोट्रिमाजोल 1% में डाला गया है, उसके बाद मेथिल पैराबिन जो है 2% में डाला गया है और प्रोपिल पैराबिन 1% में अवेलेबल किया गया है, जो कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली दिया गया है। और आप इसको बच्चों से दूर रखेंगे तो रिंग बॉर्म में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे अगर आपके जो फेस पे दाने आ जाते हैं किसी प्रकार के, या आपको कभी फेस पे इचिंग वगैरह या शरीर के किसी भी हिस्से में अगर आपको जो लाल पपड़ीदार दाने होते हैं या रिंग बॉर्म की प्रॉब्लम होती है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही फंगल इन्फेक्शन में भी किया जाता है इसका इस्तेमाल, जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही इफेक्टिव इसका इस्तेमाल है। अब देखेंगे रिंगरिंग वॉइंटमेंट के क्या कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो इसका साइड इफेक्ट हो सकता है जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन या आपके स्किन में इन्फ्लामेशन हो सकता है और आपको स्किन में इजिटेशन हो सकती है, जैसे कि ड्राई हो सकता है स्किन आपके और स्किन जिस जगह पे आप इसका इस्तेमाल करते हैं उस जगह पे आपको इचिंग वगैरह होने लगता है। तो चलिए देखते हैं इसको खोल करके किस प्रकार से जो पैकेजिंग किया गया है, क्योंकि काफ़ी यूजफुल इसका जो ट्यूब है वो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग किया गया है। तो देखते हैं खोल के किस प्रकार से इसमें क्रीम होती है। तो कुछ इस प्रकार से इसमें क्रीम देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी यूजफुल और काफ़ी अच्छी इसकी क्रीम की स्मेल भी होती है और यह आपके स्किन में तुरंत ही एब्जॉर्ब भी हो जाती है। तो अगर आपको इसका इस्तेमाल करना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको स्किन के डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ही जरूरी हो सकती है, क्योंकि कोई भी मेडिसिन मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, केवल और केवल आपके लिए जानकारी के लिए इस वीडियो को बनाता हूँ। तो अगर आपको इसका इस्तेमाल करना हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करने बात कर सकते हैं। अगर इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन क्वेरी पूछना हो तो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।